भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में देश का कुल कर्ज बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी का भी असर पड़ा है, जिसने कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया है। पिछले वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 200 लाख करोड़ रुपए था। indiabonds.com के सह संस्थापक विशाल गोयनका ने भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य के डेट पर डेटा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सितंबर तिमाही में केंद्र सरकार का कर्ज 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मार्च तिमाही में 150.4 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही बताया गया है कि कुल कर्ज में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि मार्च 2023 में $1.8255 के बराबर था, जो अब बढ़कर 83.15 रुपए हो गया है। CCI और SEBI से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट तय की गई है, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा 161.1 लाख करोड़ रुपए यानी कुल कर्ज का 46.4% कर्ज है। इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए यानी कि 24.4% है।